पता है कुछ लोग और फिर उन लोगों की बातें करते करते हम अल्लाह की ज़ात में इस कदर गुम हो जाते हैं कि हर तकलीफ़ हर दर्द भूल जाते हैं। और फिर ऐसा वक्त भी आता है जब हम तहज्जुद के लिए तो उठते हैं लेकिन तकलीफ़ से नहीं बल्कि शुक्र से उठते हैं। एक गम का सजदा न जाने कितने सजदों से हमें नजात दिलाता है। मोहब्बत इंसान को इंसान तक तब लेकर जाती है जब वो अल्लाह तक पहुँच जाता है। सफ़र भले कितना ही लंबा क्यों ना हो, कितना ही दुश्वार क्यों ना हो, फिर भी इंसान एक सजदे से भूली भटकी हुई मंजिल तक पहुंच कर ही जाता है। अल्लाह से मोहब्बत एकदम से नहीं हो जाती, बहुत वक्त लगता है। उम्मीदें टूटती हैं, मोहब्बत बिछड़ती है, जान से प्यारे लोग जुदा होते हैं, तभी जाकर अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ता है। संभलना कभी भी एक रात का किस्सा नहीं होता। न जाने कितनी रातों का दुख समेट कर हम पुरसकून नींद सोना सीखते हैं। न जाने कितनी मोहब्बतों की ठोकरों के बाद हम अल्लाह से मोहब्बत करना सीखते हैं। एक कदम की बात नहीं ये, बहुत लंबा सफ़र तय करते हैं और फिर जाकर हमें अल्लाह तक रसाई मिलती है और यूं हम आधे होकर मुकम्मल हो जाते हैं। और ये सारा सफ़र सिर्फ अल्लाह जानता है। बाकी सब तो हमें एक मजबूत इंसान की शक्ल में देखते हैं जो कभी टूटा ही ना हो, जो कभी रोया ही ना हो। कुछ राज बस हमारे और अल्लाह के दरमियान रहते हैं जिन्हें हम चाहकर भी किसी और को नहीं बता पाते, जिनका जिक्र हम खुद से करते हुए भी डरते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है, सब जानता है, उसका जानना ही काफ़ी है। फिर कुन का सिलसिला चलता है, फिर या तो वो सब्र देता है या कहानी मुकम्मल कर देता है या फिर मौजज़ा करके सारा किस्सा पलट देता है।